पकौड़े तलना हो तो पढ़ाई में पैसा लगाना, इसके बाद वही पैसा लगा के पकौड़ा ना तलने लगे स्टार्टिंग से। हाथ मिलते है तो जहाँ 275 का तो 350 की दे दे। दिन भर हम लोग बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और रात को खेत बचाना पड़ता है। युवा रोजगार है, कितने बेरोजगार है सब दिख रहा है आपको। तुम्हारे गांव में RCC पड़ी, हमारे गांव में खड़ंजा नहीं लगा। 5 साल की प्रधानी में तुमने क्या किया? हमसे सरकार से कोई लाभ नहीं मिला, हम खुद कमाते खुद खाते। हम योगी जी से हमें क्या मतलब है, वो पहुँचने नहीं दे रहे यहाँ तक। कोई सुविधा हमें गाँव में प्रधान के जरिए नहीं मिल रही है। PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ क्षितिज कांत। 2024 आ चुका है, कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव होगा, प्रत्याशी तमाम निकलेंगे, तमाम सारे दावे होंगे, लेकिन उन दावों के बीच में किसानों का क्या, उन दावों का क्या जो 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम नेताओं ने, तमाम मंत्रियों ने और साथ साथ योगी आदित्यनाथ जो सूबे के इस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने किया था। किसानों के बीच में जाते तो सबसे बड़ी समस्या आज भी जो है किसानों के बीच में वो है गाय और सांड को लेकर के जो खेत में घुस जाते हैं। किसान लगातार कहते हैं कि हमें एक ड्यूटी और देनी पड़ती है खेतों में, जिससे वो काफी परेशान है। हमारे साथ युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम अलग अलग लोग हैं गांव के ही, और इस समय हम बाराबंकी के धौरपुर गांव में हैं। किसानों से बात करने आए हैं और जानने आए हैं कि समस्याएं क्या होती है और क्या वाकई में सरकार जो दावा कर रही है, सरकार क्या संभालने में कामयाब हो पाई है। दादा, पहले आपसे बात करते हैं, नाम आपका क्या है? शिव सागर। शिव सागर जी, ये कौन सा गाँव कहलाता है? धौरमऊ। और मऊ जी। किसान हैं आप जी? क्या क्या समस्याएं होती है? समस्या फसल के लिए थोड़ा गेहूं बचाने के लिए दिक्कत है, फसल से जानवरों से नुकसान ज्यादा होता है, बिना बचाए बच नहीं पाता, सब खा घूस घास के खा पी लेते हैं, दिक्कतें हैं। हाँ बस, खाद वगैरह मिल जाता है? हाँ, खाद वाद थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, फसल के समय नहीं मिल पाती है, फिर थोड़ी देर में मिल जाता है। समय बीत जाता तब मिलता है? हाँ, समय बीत जाता तब मिलता है। सरकार संभाल नहीं पा रही, यूरिया ज्यादा DAP थोड़ा दिक्कत हो जाती है, उसके बाद थोड़ा दिक्कत शांत हो जाता है बस। ये सरकार संभाल पा रही किसानों की समस्या या नहीं? किसान समस्या बस यही है, जानवर वाली बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, विकट समस्या, विकट समस्या यही है। आप युवा हो? जी भैया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। कैफ भाई, पढ़ाई कर रहे हो अभी? जी। क्या कहाँ पढ़ाई कर? पढ़ाई श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। पढ़ाई बढ़िया चल रहा है जी? सरकार बात करती है रोजगार का, किसान भी हो? जी, किसान ही करते हैं भाई। पहले किसानों की समस्या बात, किसानों की समस्या ये भाई साहब कि रात भर खेत में साड़ बचाने पड़ते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो दिक्कत है। और फसल के टाइम पे जब हमको डालना होता है खाद, यूरिया डाया, तो ये महंगी हो जाती है। अक्सर सस्ती रहेगी 270 रुपए की आती है बोरी, जब अब लेने जाओ तो 400-350। ऐसा फसल का समय होगा उस समय दाम बढ़ेगा, जब मतलब रिक्वायरमेंट होगी इसकी तब वो रेट हाई हो जाता है। किसानों को परेशान किया? हाँ हाँ, जाहिर पढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कैसे करें भाई साहब, अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, रात में अपने घर में हम लेट के पढ़े अगर जो, तो पढ़ाई कर पाए? अब खेत में हम साल बचाए पढ़ाई करें, बताओ। अगर वो खेत नहीं बचा रहे हैं तो खाने को घर में नहीं है, तब क्या बड़ी हुई, जाहिर सी बात। अच्छा, रोजगार की बात करती है, सरकार जब आई थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब बनी थी पहली बार, जब मोदी जी ने जब पद संभाला प्रधानमंत्री का, उस समय बातें हुई कि 2 करोड़ रोजगार, रोजगार की बात होती है। इस समय की मौजूदा स्थिति बात करें तो यहाँ पे लोग रोजगार के लिए इसराइल तक भेजे जा रहे हैं, आपके जिले सभी लोग इसराइल जा रहे हैं, तो वो स्थिति क्या देखते हैं फ्यूचर में? अगर एक बार फिर से अगर मोदी सरकार बनती है तो अपना भविष्य क्या देख रहा है? उसमें बताने की कोई बात ही नहीं, आपके सामने है सब कुछ, कितने युवा रोजगार है, कितने बेरोजगार है, सब दिख रहा है आपको, उसमें कुछ कहना ही नहीं भैया। नाराजगी होती सरकार, ऐसी बात है, हर युवा तो ऐसे बेरोजगार घूम रहा है, किसके पास नौकरी है, किसी के पास कुछ नहीं है। अब कोई पढ़ा लिखा बच्चा, अब जैसे हम लोग पढ़े लिखे हो 300 रुपये पे काम करेंगे तो क्या ही मतलब हमारा 2-3 लाख रुपया लगाने का पढ़ाई में, 3 लाख लगा करके 300 रुपए की नौकरी। हाँ वही, 300 रुपए की नौकरी, हाँ भैया, ईंटा गारा, ये नाली साफ करना, काम करना, ये करना पड़ता है। अच्छा, एक बात और कर ले, आप जब पढ़ाई लिखाई कर लेते हो, आपके साथ तमाम सीनियर भी है, जो नौकरी जो मिल रही है क्या वो पर्याप्त है? नहीं नहीं है, पर्याप्त नहीं, हमारे सीनियर भी तो बेरोजगार घूम रहे हैं कहीं। अब फार्मेसी का बी फार्मा भाई 4 साल का करके 4-5 लाख रुपया लगा के कोई मेडिकल स्टोर पर नौकरी कर, 8-9 हज़ार रुपया महीने का, 2-2.5 हज़ार रुपया पढ़ ले। एक बात और कह ले, सरकार पकौड़ा तलने को भी रोजगार कहती है, आप पढ़ने के बाद क्या पकौड़ा तलने को रोजगार मानते हैं? कोई मतलब ही नहीं भैया, अगर पकौड़े तलना हो तो पढ़ाई में पैसा लगाना, इसके बाद वही पैसा लगा के पकौड़ा ना तलने लगे स्टार्टिंग से, कोई मतलब ही नहीं इसका। नाराजगी बहुत, जाहिर सी बात है भाई, नाराजगी तो होगी। दादा, आपका नाम क्या है? रघुनाथ नाम। अच्छा, किसान हो आप? हाँ। क्या क्या समस्याएं होती हैं किसान? समस्या तो बहुत है, खेतवा गेहूं चले ले खा रहा जानवर, संभाल नहीं पा रही सरकार। हाँ। और क्या दिक्कत होती है? DAP खाद मिल जाती है? बहुत कम मिलती है, नहीं मिलती, जरूरत में नहीं मिलती।
महंगाई बढ़ गई है। अरे महंगाई तो बढ़े नहीं, तो सरकार में कोई लाभ वाभ मिला है सरकार? अरे लाभ तो है, लाभ है, दिक्कतें काफी है। हाँ दिक्कत काफी है, लाभ तो है, कमाने का। आप नहीं मिला तो गेहूँ रात में बचाओ जाकर पर गोड़ जा रहे हैं अभी। हाँ फिर रात में बचाओ पर रात में बचाना पड़ता है। आपका नाम भाई क्या है? मेरा नाम समीर है। समीर भाई किसान हो? जी भाई। क्या क्या समस्याएं होती किसानों को? यही समस्या होती है कि साढ़ वाल है, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं जाता है उन पे। नहीं जा रहे? बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, बस सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। खेत वेत में आते हैं साढ़ चढ़ के चढ़ के चले जाते हैं, सबका नुकसान हो जाता है। और क्या क्या दिक्कतें हो रही जमीनी स्तर पर आप लोग? जमीनी स्तर पर वैसे तो बस यही सबसे बड़ी समस्या है कि ज्यादा ज्यादा साढ़ वाड़ वाली प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और बाकी खाद वाद महंगा कर देते हैं। जब उसका जब टाइम आता है खाद वाद डलने का, बस यही सब समस्याएं हैं काफी। सरकार से नाराजगी है? नाराजगी बिल्कुल है, बहुत नाराजगी है। दादा आपका नाम? दादा हमारा नाम रामविलास है भाई, लेकिन अब कहा बताए, हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई सब चंगा सी, सब चंगा है। दिल से नाराज हो इसलिए बोल रहे या खुश हो इसलिए? खाली साठ बचाओ पड़ता साहब, बस बाकी मजदूरी के घर में खाई थे अपने, सुबह साइकिल ले चले मजदूरी, मजदूरी डेली कर रही है। मजदूरी कर पर साहब खाई, मजबूती से काम चल पा रहा घर में? परिवार में कितने लोग? अरे परिवार में साहब अब लड़की रहन की शादी कर दिया है, लड़का है दो, अब पढ़ रहे हैं, एक सरकारी में पढ़ रहा है एक प्राइवेट में पढ़ रहा है। एक सरकारी में प्राइवेट में, क्यों दोनों को प्राइवेट में कराना चाहिए? अरे साहब पैसा कहाँ था जो प्राइवेट में करा दी, महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई तो है ही है, अब कमाई 10 रुपया और खर्चा है 12 रुपये, तो 2 रुपया फालतू है तो खर्चा कहाँ लगी। सरकार जो तमाम जो लाभ देती है, तमाम सारी योजनाएं हो गई, तो वो सबसे कोई फायदा मिला कि नहीं? कोई फायदा मिला है? अरे साहब फायदा हमका का फायदा, तो जो दर ही मिल रहा गल्ला हमका मिल रहा, गल्ला दुनिया मिल रहा, 2000 रुपया हमको मिल रहे हैं। चल पा रहा है कि नहीं? अब चलिए तो है, ना चलिए तो मजदूरी करें नहीं चलाए ना, मजदूरी करना पड़े बिल्कुल। कहाँ जाते हैं मजदूरी करने? साहब हम करते हैं स्टोर में, इस आलू स्टोर में पल्लेदारी। महीने भर में कितनी इनकम हो जाती है? अरे जो कुछ हो जाए 300-400 जो कुछ बन जाए। सिलेंडर विलेंडर सब महंगे हो गए? हाँ सिलेंडर तो महंगा है साहब, दुनिया जो है वो हमको है। अच्छा नाराजगी होती सरकार से या नहीं? नहीं हमका नाराजगी कौन, हमका कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। देखिए यहाँ पे अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, एक महिला भी हमारे साथ में। चाची नाम क्या है आपका? हमारा नाम है रजनी देवी। रजनी जी कौन कौन समस्या होती है महिलाओं को? महिलाओं को बहुत समस्या होती है। क्या क्या समस्या है? मतलब हर समस्या होती, गैस से लेके मतलब हर समस्या होती, कोई समस्या। गैस फ्री बांट दिया? गैस तो फ्री बांट दिया, फिर भी मैंने नहीं पाया, मैंने तो मजदूरी के खरीदा है वो, मतलब सरकार की जो योजना चल रही है स्कूल में रोटी बनाने वाली, वो मजदूरी के मैंने गैस खरीदा है। मुझको कहाँ गैस मिली? फ्री नहीं मिली? फ्री नहीं मिली, फ्री मुझको कुछ नहीं मिला। यहाँ रहते हैं सिर्फ और अपना कमाते अपना खाते, अपना मकान भी खरीदे हैं, और पहले हमारे ससुर मकान खरीदे थे, फिर हम मतलब हम खुद अपने नाम मकान खरीदे हैं। क्या है कुछ नहीं, जो 10-20 अपनी है वो मतलब सरकार छीने लेते। सरकार छीने लेते? अरे नेपाल पटवारी मिलके सब मतलब दलाले मकर सब खा ले, जो बिसुआ खाट दही नहीं, और लिए बजाय पांच प्रधान सब लोग मतलब जो दिए बजाय हमारे वहाँ छीनी जाती है, कोर्ट कचहरी रोज दौरी, तो हमका का लाभ? सरकार कुछ नहीं, सरकार को वाट दो, प्रधान को वाट दो, पंच को वाट दो, सबका वाटे दे जिंदगी मतलब इतनी। नेता वोट ले लेते हैं लेकिन आपकी समस्या कोई नहीं? नहीं हमारी समस्या कोई नहीं सुनते, ना नेता सुनते ना प्रधान। कोई लाभ मिला सरकार से? नहीं हमसे सरकार से कोई लाभ नहीं मिला, हम खुद कमाते खुद खाते। आपका नाम क्या है? क्रांति। क्या समस्याएं होती हैं आप लोग? समस्या का हम लोग मतलब सबसे पहले तो हम ये जो महंगाई चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। जी बताएं। हाँ जो मतलब सरकार कर तो रही है हमारे लिए, बहुत कुछ कर रही है, पर मतलब गरीब लोग क्या करेंगे, जैसे कि इतनी महंगी दाल हो गई, चीनी हो गई, गैस हो गई। गैस कहते मोदी जी ने मतलब फ्री दिया है, तो हम लोगों को तो फ्री मिली नहीं है, पर वो जो अगर गरीब इंसान है वो कहाँ से भराएगा इतनी महंगी। पहले थी 500-600 की थी, अब हो गई है, हाँ अब हो गई है मतलब 1000-1200 ऐसे। किचन की बात करें तो किचन के क्या हाल चाल है, क्या क्या महंगा हुआ? हर एक चीज महंगी हो गई है, नमक भी महंगा, टाटा का नमक। एक बात करें, क्या सरकार वाकई मानती है संभाल पा रही है गरीब किसानों की जो समस्या, संभाल पा रही? सरकार तो संभाल पा रही मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नहीं संभालता है, जमीनी स्तर पहुँच नहीं पा। सरकार तो बहुत कुछ कहती है मगर जो बीच वाले हैं वो यहाँ तक पहुँचने नहीं देते। बीच में कौन है?
बीच में क्या जा बहुत हुई है, बीच में बहुत लोग हुई है भाई। मोदी के बाद योगी है, योगी के बाद कोई हुई, इसके बाद इतना तो बहुत है। तो सरकार के जैसे पहले कॉलोनी मिलत रहे, जैसे ये है इनका मिली कॉलोनी, तो 1,25,000 आवत रहे, 25,000 बिच्चे वाले खा जाते रहे, 1,00,000 या 90,000 या 80,000 इन तक पहुंचत रहे। तो वहाँ लैटरिन बाथरूम और मतलब रूम किचन सब कैसे इंसान बना ले, तुम बताओ भैया। देखिए अलग अलग लोगों से हमारी अलग अलग बातें हो रही, क्लियर बता रहे हैं कि यहाँ पर समस्याएं काफी हैं किसानों में, जो है जो किसान खेतों में जाते हैं सबसे बड़ी समस्या बता रहे गाय और सांड को लेकर के है, लगातार समस्याएं ये व्याप्त है अलग अलग गाँव में जा करके। अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं, एक दादा और है, आपका नाम दादा? हमारा मोतीलाल है। मोतीलाल दादा क्या किसान हैं जी, क्या समस्याएं हो रही हैं आप? यहाँ समस्या तो बहुत ही है ना जी, यहाँ डोरमों में आज तक ना खरंजा सही हुआ है, ना कोई नाली सही हुई है गरीब भाई को, ना यहाँ पर कोई लैटरिन मिल रही है, और जो लैटरिन सरकार देता है तो बड़के लोग खा लेते हैं। अच्छा आप तक के पहुँच नहीं पा रही योजना? नहीं। अच्छा कोई लाभ मिला आपको? कोई नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला, खाली गल्ला मिला बस। नाराज है सरकार से? हाँ काफी नाराजगी है। देखिए ये जो ये मूल समस्याएं हैं लोगों की जो पहुंच नहीं पा रही है। आपका दादा नाम क्या है? हमारा राजेंद्र नाम है। राजेंद्र जी क्या काम करते हैं? हम खेती करते भैया। सब बढ़िया चल रहा? हाँ बढ़िया सब। कोई दिक्कत? दिक्कत कोई नहीं, जब मूवमेंट किया आए हैं जो पुराने पुरखों से आज 50-60 साल की रास्ताएं खत्म, नियम खत्म, कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या कहा जाए भैया। ये आज ने 60 साल पुरानी रास्ताएं हैं, आदमी पैदल हरा गुरु जाते थे, आज वही जीसीबी चल रही है, खुद रही दो पार्टियां, खुदा रही और नेपाल सहित रास्ता खुद ही जा रही जिस पर आम हरा जाते थे। आपकी जो रास्ता है वो बंद की जा रही है। हमारा पूरा गाँव उसी से निकलता था, हरहा आदमी सब उसी से आना जाना था। खेत की अगर बात करें तो क्या जो सांड और गाय जो अलग अलग जगह पे घुस जाते हैं उससे समस्या हो रही है? हाँ समस्या तो भैया की हो रही है, तार कांटा हम लोग बांध के बचाते हैं और क्या करें, सरकार संभाल नहीं, सरकार यहाँ कोई संभाल नहीं, सब छुट्टा छोड़ लेते हैं, क्या करें भैया। दिक्कतें बढ़ गई, दिक्कतें तो आई है भैया। कमाई कितनी हो जाती है महीने में? कमाई कितनी हो जाती है अब क्या बताए, 6 महीने में खेती होती बस उतनी में कमाई समझ लीजिए क्या होती है, दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है। नाम तुम्हारा? नाम हमारा गौरव सिंह है। ठीक है। समस्या है क्या? समस्या हमारी कुछ नहीं है, हमारे गांव की है। क्या दिक्कत है गांव? ये आप देखो चल के आओ और दिक्कतें दिखाते हैं। यही बताओ ना, यही बात हो रही ना तुम्हारी, बताओ। जिस गांव का प्रधान है उस गांव में जाओ RCC पड़ी है, ठीक है पड़ी है ना, ये हमारा गाँव है, आधे खड़ंजे उखड़े पड़े हैं, अभी आपको दिखा। प्रधान के पास शिकायत करने गए? एक बार नहीं 1,000 बार करे हैं। हमको पता ही नहीं यार, हम जानते ही नहीं है, योगी सरकार है, हम मुसलमान है, हम क्या करेंगे, साफ बता रहे हैं हम ये तो कैमरे के सामने। योगी सरकार है, हम मुसलमान, ये बात क्यों सरकार सुनती नहीं तुम्हारी, मुसलमानों की नहीं सुनती? यार गांव का प्रधान है, हमने प्रधान क्यों बनाया, प्रधान सुनेगा, हम सरकार के पास योगी पास थोड़ी डर जाएंगे, आप जानते हो समझदार हो। प्रधान सुनता नहीं है? नहीं सुनता है। प्रधान क्या कहता है? कुछ कहता ही नहीं, कहता तो क्या था, उसकी आवाज ही चली गई थी, कैमरे में बताना, कुछ नहीं कहता। बारात घर हमारा, बारात घर जानते हो किस लिए बना है, किसी गरीब भाई की बारात आ जाए उसमें टिकेगी ना, टिकेगी। उस घर बारात घर का जो लैटरिन है उसमें 5 किलो लैटरिन पड़ी होगी, गेट टूटे पड़े हैं, बारात घर किसी काम का नहीं, अगर किसी गरीब भाई बारात आ जाएगी कैसे टिकाएगा आप? तो वहाँ पे जब समस्याएं लेकर जाते तो प्रधान बोलता क्या? प्रधान बोलता हमको नहीं पता यार, हम प्रधान है, हम ये थोड़ी करेंगे, बताओ। कभी सुनवाई नहीं हुई? कभी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। क्या कभी गाँव में आकर के सफाई कर्मी आया तुम्हारे? सफाई कर्मी आता, वो अपनी ड्यूटी करता है, जितनी सफाई फर्ज है वो करता है। दिक्कत कहाँ पे आ रही? अरे दिक्कत सफाई कर्मी थोड़ी बारात घर बनवाएगा भाई, आप बताओ मेंटेनेंस का पैसा आता है? बारात घर बनवाने की बात कर रहे हो उसके? मेंटेनेंस की बात कर रहे हो उसकी? अच्छा, जो यार खराब है उसको बनवाने की बात? एक बात करे, आपने एक बात बोली थी योगी सरकार है मुसलमानों की नहीं सुनती, क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि सरकार तो तमाम दावे, तभी तो सरकार तमाम दावा करती है कि हिंदू मुस्लिम सबकी सुनवाई करती है, लेकिन की करती है सरकार? आप कह रहे हो योगी सरकार मुसलमानों की सुनवाई, वो उनका मानना है यार, तभी तो वो प्रधान तभी नहीं कर रहे हैं, बोलते नहीं, उनका मानना है तभी तो करते हैं यार, हम तो कहते बोलते उनकी जो दिल की बात है, क्यों नहीं करते हैं बताओ, ये जो चीज करने वाली है क्यों नहीं करते हैं आप बताओ, करने वाली चीजें है नहीं है? नहीं है। अगर किसी गरीब भाई की बारात घर इसलिए बनाया ना कि कोई गरीब भाई है जिसको बारात टिकाने का मौका नहीं है, वो कैसे बारात टिकाएगा आप बताओ, समझदार हो उसका? अच्छा बारात घर की एक समस्या हो गई, उसके अलावा कौन सा? अरे एक कितनी समस्या है आपको गिनवाए बताओ? कितनी है सब गिनवा? आओ इधर गिनवाते हैं बताओ। 60% लोग ऐसे हैं
जिनके घर नहीं जिनको चाहिए उनको नहीं मिला, 30% लोग ऐसे हैं जिनको घर नहीं मिलना चाहिए उनको मिला, वो जो 60% लोग वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने वोट नहीं दी। वोट दी ना दी हक तो सबका बराबर है, उनको नहीं मिला, जिन्होंने वोट नहीं दी उनको नहीं मिला। किसी भी गांव जाते से जाके पूछ लो, उनको कोई सुविधा नहीं मिली। इस रास्ते से मुड़ जाओ आगे चलो, खड़ंजा नहीं बना है, क्यों नहीं लगाया? तुम्हारे गांव में आरसीसी पड़ी, हमारे गांव में खड़ंजा नहीं लगा? 5 साल की प्रधानी में तुमने क्या किया? भेदभाव करते क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, खुला भेदभाव है। नाम क्या प्रधान का? प्रधान का अनवर अली प्रधान नाम है, और क्या? कौन सा कहलाता है? धौरमो पोस्ट इंदोला ग्राम बाराबंकी, ग्राम धौरमो पोस्ट बाराबंकी, जिला बाराबंकी पड़ता है। समस्याएं सुन रहे हैं, ये समस्याएं कई गांवों में है, लगातार कई बार आवाज उठाई जाती है, लेकिन सुनवाई के नाम पे क्या हो रहा है ये भी समझ रहे हैं आप। और ये व्यक्ति जो बच्चा है ये खुद बता रहा है, नाम क्या बताया? गौरव सिंह नाम है। हमारी भड़ास ये है कि योगी सरकार चल रही है, अगर सुविधा नहीं पहुंच रही है तो बात सरकार तक जा रही है ना कि सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर सरकार कुछ कर रही है तो यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? नाम क्या है? आकाश सिंह। आकाश जी क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। क्या? यहाँ सड़क खड़ंजा लग नहीं रहा है, खड़ंजा खुला है एकदम, रोड नहीं बन रही हमारे गांव की उधर साइड में, समस्या तो बहुत है, प्रधान नहीं करवा रहे तो क्या करें? और क्या दिक्कतें हो रही? नाली वाली सब देख लीजिए कैसे हैं, सब कोई नहीं बनना, कम से कम सफाई कर्मी आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, सफाई करते हैं वो बराबर आते हैं। नालियों में दिक्कतें क्या हो? नालियों में सब खुड़े नहीं है, बनवाएंगे नहीं तो सफाई कर्मी नाली बनवाएगा? सब खुद ही भरी हुई है, कोई भी नाली के कम से कम 5 साल से कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई हो नहीं। सफाई कर्मी की कोई गलती नहीं, वो तो वर्कर है, अगर नाली बनी होगी तो अगला साफ करेगा, नाली टूटी होगी तो क्यों करेगा? वो भी तो गरीब आदमी है, हम उस पर क्यों सवाल उठाएं? वो अपनी पूरी ड्यूटी करता है, पूरे समय तक रहता है। भाई नाम क्या है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी किसान हो जी, क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोग? समस्या का सबसे ज्यादा तो सांड। और क्या समस्या? डीएपी खाद वगैरह मिल जाती है? खाद मिलती है तो जहाँ 275 का 350 की दे रहे हैं, पैसा बढ़ा कर। हाँ, वो मकई जिंक लो। अच्छा एक बात और कर लें, एमएसपी पे जो अनाज जो बिकने की जो बात हुई थी वो बिक रहा है? हाँ बिकत तो है, एमएसपी आपको पूरा रेट मिल जाता है। और क्या दिक्कतें होती हैं किसानों? और कोई लगभग दिक्कत नहीं, बस सड़वा की दिक्कत है, और काहे की दिक्कत? सरकार संभाल नहीं पा रही, नहीं नाराजगी होती है। हाँ, रात भर खेतों में पड़े रहो और चरी जा रहे हैं। आवास वगैरह मिले? नहीं। शौचालय आवास कुछ? शौचालय मम्मी मिली रहे। कोई लाभ मिला है आपको? अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। आपका दादा नाम क्या है? परशुराम। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिया गया था फ्री वाला, वो मिला था? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई? अरे हमका शौचालय तक नहीं मिला, तो शौचालय तक भी नहीं। हाँ, कुछ नान वगैरह कुछ नहीं। अभी सरकार से क्या बोलोगे? तो बोलेंगे क्या, जब नहीं मिला तो नहीं मिला, नाराजगी होती है। और काहे ने अब दिन भर गरीब आदमी बताओ खेत में पहुड़े के यहाँ मजदूरी करे जाए, साले रात भर खेत बचाओ, नहीं बचाया जाओ तो वहाँ चल जाते हैं भाई, खेत में चले मड़िया दिखाए, मड़िया पड़ी है, रात भर हम लोग पहुड़ते हैं। आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू भाई क्या दिक्कत हो रही? दिक्कत वही, साढ़ आते हैं रात में चरा के जाते हैं, चर जाते हैं सब, और रात दिन भर हम लोग बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और रात को खेत बचाना पड़ता है। सरकार संभाल नहीं पा रही? सरकार संभाल क्या पा रही है? एक अभी अभी आपके मन में क्या क्या कहोगे सरकार से? सरकार से अभी क्या कहेंगे, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ी मुश्किल पे एक आवास मिला था मेरी मम्मी के नाम, ठीक, और दूसरी चीज शौचालय नहीं है, मेरी वाइफ बाहर शौचालय जाती है, मेरे घर के जितने सदस्य हैं सब बाहर शौचालय जाते हैं, तो शौचालय नहीं मिल पाया, कुछ नहीं है, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मैं गौरव सिंह, मुझे ये शिकायत है कि हमें प्रधान की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, बिल्कुल 1%। प्रधान की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ये आम गांव के लोग हैं जो साफ तौर से बता रहे हैं, और काफी नाराजगी है। तमाम सारी योजनाएं एक तरफ सरकार बात करती है जमीनी स्तर पर पहुंचाने की, और दूसरी तरफ फंसता कहां है मामला है आपके, वो खुद यहां के युवा बता रहे हैं, यहां के लोग बता रहे हैं कि प्रधान जमीनी स्तर तक पहुँचने नहीं दे रहे, तो ये नाराजगी है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है खबर चलने के बाद। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं सतीश कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।